हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी है आरोपी संजय रे को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए सबसे जो पहली बात है वो ये तो कि बेरे ओकटोक मेडिकल कॉलेज में ये जो आरोपी है उसका आना जाना था। कोलकाता पुलिस से आरोपी के अच्छे संबंध रहे हैं ये भी आपको बता दें। इसके अलावा खबर तो ये भी मिल रही है कि बाइक पर पुलिस का जो टैग है वो लगाकर के आरोपी रखता था। जरा सोचिए कि कैसी इसकी धौंस थी कि ये बेरोकटोक मेडिकल कॉलेज में दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो वो कहीं भी जाता था। तभी तो सेमिनार हॉल में वो घुस गया जहां पर महिला डॉक्टर सो रही थी। और इसके अलावा सोचिए कोलकाता पुलिस के साथ यानी जो आसपास लोकल पुलिस थी उसके साथ भी अच्छे संबंध थे। अपनी बाइक पर पुलिस का टैग लगाकर घुमा करता था लेकिन कभी उसको रोका नहीं गया और आखिरकार इतनी बड़ी वारदात को उसने अंजाम दिया है। तो संजय रे जो आरोपी है उसको लेकर क्या सनसनीखेज खुलासे हुए चलिए आपको बता देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आरोपी खुद को पुलिस वाला बताता था, जिससे भी मिलता था पुलिस की वर्दी भी कई बार उसने पहनी थी, कोलकाता पुलिस की टी शर्ट पहनकर घूमता था यह भी बताया जा रहा है, सिविल डिफेंस की टीम में काम करता था यह भी जानकारी मिली है, कई बार कोलकाता पुलिस बैरक में ही वो रह भी जाता था। संजय शुरू से ही हिंसक स्वभाव का था फिर भी कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की गई। अश्लील वीडियो पोर्न वीडियो देखने का वो आदि था। सबूत मिटाने के लिए उसने कपड़े भी धोए थे। सोचिए कितना शातिर है ये। आरोपी के जूते पर खून के निशान मिले हैं जो कि जाहिर तौर पर उस पीड़िता डॉक्टर के हैं। आरोपी के जूते पर जो खून के निशान मिले हैं उसकी भी जाँच की जा रही है और ये तमाम जो खुलासे वो बताते हैं कि कितना बड़ा ये अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहा था। पुलिस के साथ इसके अच्छे संबंध थे, पुलिस की टी शर्ट पहन पर घुमा करता था और नतीजा ये रहा कि बिना रोक टोक के जब अस्पताल के अंदर उसको दिन रात जाने की इजाजत थी तो उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और आसानी से वहां से फरार भी हो गया और इसके अलावा उसने सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की।